हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 सिक्वेशन सीरीज वो खत्म करेंगे। इसमें तीन क्वेश्चंस बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32। तो क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 ये है, अ मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। हर साल उसको 5% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। उसने कितने रुपए जमा कराए? 10,000। फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें अमाउंट बताना है। तो जैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो अमाउंट, प्रिंसिपल और रेट, टाइम, इन सब का जिक्र भी होता है, तो एक बार उनको भी हम देख लेंगे। हमें यहाँ पे द अमाउंट इन, यहाँ पे देखो दोस्तों, लैंग्वेज बहुत अच्छे से आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। यहाँ पर आफ्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इसका मतलब यहाँ पे जो 15-20 जो साल होगी वो स्टार्ट होते ही उसमें अमाउंट पूछना चाह रहा है, और यहाँ पर 20 साल खत्म होने के बाद, मतलब जो 21st ईयर स्टार्ट होगा ना, और उससे पहले मतलब 20 साल खत्म होंगे उसके बाद में, तो उस टाइम ये अमाउंट पूछना चाह रहा। तो ऐसे दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, मतलब टाइम तो दे ही रखा है लेकिन समझना इनका अलग अलग हुआ है ना। 15वें साल में हम थोड़ा सा अलग अप्रोच लगाएंगे और 20 साल के बाद जो अमाउंट निकालेंगे उसमें हम थोड़ी सी अलग अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी है, डिपॉजिटेड 10,000, रेट है 5%, सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पर एक अमाउंट का जिक्र किया गया। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, जो हमने रुपए जमा कराए, जैसे ये डिपॉजिट ये है ना, ये डिपॉजिटेड है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और प्रिंसिपल है तो देखो अमाउंट में क्या होता है, जो हमने दिया वो, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो भी यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन, अब यहाँ पर बोला है कि द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड। तो एक मैं एक डायग्राम सा बनाता हूँ, फिर उसको समझते हैं। जैसे समझो कि ऐसा है कि ये है पहली साल, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर, ऐसे करते करते ये 14वीं साल है, ये 15वीं साल है, ये 16वीं साल हो गई, फिर ऐसे करते ये समझो कि ये 20वीं साल है और ये 21वीं साल है, ऐसे चला जा रहा है ना। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ऐसे करते करते ये 15वीं साल का जिक्र हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो 15 ये 14 बना लेता हूँ, यहाँ पे 16 बना लेता हूँ, और इधर ये 20वीं साल और ये 21वीं साल, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है वो समझते हैं। यहाँ पर जैसे ये पहली साल स्टार्ट हुई, यहाँ पर इस जगह पर जैसे ये ईयर है पूरा, यहाँ पर ये साल स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ये साल ख़त्म हो रही है, और ये वैसे चिपका चिपका हुआ बनाना चाहिए था, लेकिन समझ जाना यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, बीच में कोई भी दिन नहीं है, एक भी दिन नहीं है बीच में, बस ऐसे खाली स्पेस मैंने छोड़ दिया। जैसे ये साल खत्म हुई, ये दूसरी साल स्टार्ट होगी, यहाँ पे दूसरी साल जैसे ही खत्म होगी ये तीसरी साल स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे चल रहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पहली साल स्टार्ट हुई ना, यहाँ पर उसने कितने रुपये लगा दिए, 10,000 रुपये लगा दिए। कितने रुपये लगा दिए? 10,000। एक साल के बाद क्या होगा, कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे बन जाएगा, तो वो इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल ना, इंटरेस्ट और ये प्रिंसिपल बना के कुछ अमाउंट बना ले, तो यहाँ पे कुछ ना कोई अमाउंट बन जाएगा। ऐसे 2 साल के बाद कुछ अमाउंट बन जाएगा, 3 साल के बाद कुछ अमाउंट बन जाएगा, ऐसे अमाउंट बनता रहेगा। तो और हमें 15 साल या 20 साल के आसपास पूछा है, तो वो भी अभी हम निकालेंगे। चलो ये बताओ कि यहाँ पर कितना रुपया बन चुका होगा, मतलब एक साल के बाद और दूसरी साल से जस्ट पहले, एक साल खत्म होने के बाद या फिर दूसरी साल स्टार्ट होने से पहले, हमें बताने कि यहाँ पर कितना रुपया मतलब अमाउंट कितना बन गया होगा। अब जब भी मैं अमाउंट की बात करता हूँ तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ, है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल देखो क्या है, प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल, 10,000, 10,000 रुपीज प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं, आप इसको सिंपली इंटरेस्ट वैसे जो करते हैं ना कि प्रॉफिट क्या होता है वैसे निकाल लो। 5% मिलेंगे किसके, जो हमने जमा कराए उसके 10,000 के, मतलब 5% ऑफ 10,000। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 10,000 प्लस 5% मल्टी 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाई ये हो गया 10,000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना गया, 500 आ गया ना, 500। तो कितना हो गया ये 10,000 प्लस ये कितना हो गया 100 और 500, तो कितना हो गया ये रुपीज़
10,500 रुपीज़, इतना हो गया, एक साल के बाद उसको इतने रुपये मिल जाएगा। तो अब हम लिस्ट बना लेते हैं कैसे, आफ्टर वन ईयर, ठीक है, अमाउंट, इसको मैं अमाउंट वन बोल देता हूँ, आफ्टर वन ईयर मतलब अमाउंट वन कितना हो जाएगा, अमाउंट वन आफ्टर वन ईयर कितना हो गया, ये हो गया ना, कैसे 10,000 प्लस 500 रुपये, ठीक है, क्या होगा वैल्यू वो, अभी मैं इसको ना जोड़ के यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है, इसको समझेंगे उससे ज़्यादा आसान होगा। चलो अब सेम चीज़ रिपीट करते हैं, आफ्टर टू ईयर्स, ठीक है, आफ्टर टू ईयर्स इसको मैं अमाउंट टू बोल देता हूँ, अमाउंट टू क्या हो जाएगा, देखो अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 10,000 रुपये तो आएगा आएगा, प्लस जब दो साल के बाद में अमाउंट हम देखेंगे तो पहले साल का अमाउंट कितना कितना इंटरेस्ट मिला था, 500 रुपये, और दूसरे साल का इंटरेस्ट भी कितना हो गया, 500 रुपये, ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब अगला आफ्टर थ्री ईयर्स A3 बन जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये 10,000 तो ये हो ही गया अपना प्रिंसिपल, इंटरेस्ट तो देखो हर साल बनेगा, यहाँ पर आप ये मत कन्फ्यूज होता ना कि भाई इंटरेस्ट ऐसे मैं बार बार क्यों बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, एनुअली मतलब हर साल के बाद में हम इंटरेस्ट, नया इंटरेस्ट यहाँ पे लगा देंगे, और कितने रुपए नए लगाएंगे, 500 रुपये, क्योंकि 10,000 का 5% सिंपल परसेंट सिंपल इंटरेस्ट है, तो चेंज भी नहीं करेंगे उसके अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो चेंज हो जाता अपने आप, तो यहाँ पे 500 500 500, इस बार तीन बार जुड़ जाएगा तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, तो ऐसा चला जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बताना है कि ये कहाँ है, ये रहा, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड। देखो अगर वो यहाँ पर डिपॉजिट करता है, ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट करता तो पहले ईयर का वो कितना हो गया, 10,000 ही है, फिर यहाँ पर जैसे ये एक साल हो गया तो ये क्या हो गया, दो साल से जस्ट पहले है ना, दो साल के टाइम, जब दो साल स्टार्ट हो रहा है तब क्या हो जाएगा, ये आफ्टर वन ईयर बोलो या फिर एट द स्टार्टिंग ऑफ टू ईयर बोलो, ऐसे बोलो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग का वर्ड यूज में नहीं लिया गया, लेकिन उसका मीनिंग यही है, आफ्टर ये बताओ 14 ईयर्स, आफ्टर 14 ईयर्स क्या बोलूँगा मैं, A14 बोलूँगा, कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस, जैसे थर्ड ईयर के बाद 3 साल के बाद में क्या हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 14 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये 514 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 14 साल के बाद, मतलब यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला है कि इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट, ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि 15 साल के बाद कितना होगा, ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि 16th ईयर में कितना होगा, ऐसा बोला कि 15th ईयर में कितना होगा, मतलब वो यहाँ की बात करना चाह रहा है, जब 15वीं साल स्टार्ट होगी तब, ठीक है, और वो अगर ऐसा बोलना चाहता है कि 15 साल के बाद कितना होगा तो यहाँ पे आफ्टरवर्ड यूज में ले रहा होता, ठीक है, तो हमें ये बताना है। अब ये जगह कौन सी है, 14 साल के बाद वाली तो जगह है ना ये, तो दिस इज नथिंग बट अमाउंट इन 15th ईयर, अमाउंट इन 15th ईयर है, ठीक है, तो इसका आंसर भी यही आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 7,000 इसमें और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17,000, ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपए बन गए इसके, 17,000 रुपये बन गए, ये अमाउंट हो गया, यहाँ पे 10,000, 10,500, 10,000, फिर 1,000 और जुड़ गया तो 11,000 हो गया, फिर 11,500, 12,000, ऐसे करते करते 15वीं साल में, मतलब 14 साल के बाद कितना हो जाएगा, 17,000 रुपये हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में और क्या बोला है, यहाँ की बात की गई है कैसे, अब ये इतना शॉर्ट शॉर्ट कैसे बोल सकते हैं हम, देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड दी नहीं ये रहा कहाँ है, हाँ ये, ऑल्सो कैलकुलेट दी टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब 20 साल के बाद, ये 20 साल के बाद, तो इसमें तो हम ये फ्लो ही चलने देंगे, ये फ्लो ही नहीं, मतलब इसको नहीं तोड़ेंगे, फ्लो में चलने दो, आफ्टर 20 ईयर्स मतलब 14 ईयर्स के बाद में मैं A14 निकाल रहा था, 20 ईयर्स के बाद में मैं A20 निकालूंगा और यही आंसर बन जाएगा, कुछ इसमें तो ज़्यादा लफड़ा भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 10,000 प्लस 500 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 10,000 प्लस 10,000 हो जाएगा, मतलब 20,000 हो गया ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20,000 इसका अमाउंट हो जाएगा, अगर पीछे की तरफ कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पर ये दोनों आंसर सही है, 15वीं साल में 17,000, 20 साल के बाद 20,000, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या बोला, ए मैन्युफैक्चरर रिकॉर्ड्स दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन विच कॉस्ट्स हिम ₹15,625 विल डिप्रिशिएट ईच ईयर बाय 20%, मतलब उसने ऐसा अंदाज़ा लगाया कि एक मशीन उसके पास में
कितने रुपए की, 15,625 रुपए की, वो हर साल ईच ईयर डिप्रिशिएट्स बाय 20%, मतलब हर साल उसकी जो प्राइस है वो 20% कम हो जाएगी। जैसे अभी प्राइस 15,625 है तो बाद में 20% उसमें से कम कर देंगे, फिर जो प्राइस आएगी उससे अगली बार ना सेकेंड ईयर के बाद में, तो क्या होगा कि 20% जो अभी एक साल के बाद थी ना उसमें से भी 20% कम कर देंगे। तो ऐसे जो अभी प्राइस है एक साल बाद में अभी वाली प्राइस से 20% कम, ना कि ओरिजिनल वाले से, ठीक है। तो अब इसमें बताने की फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद कितनी वैल्यू उसकी होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हर साल जितना परसेंट है उस हिसाब से चला जाए, जैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली चीज़ होती है ये क्वेश्चन जीपी में जाते हैं सारे के सारे, और बाकी सिंपल इंटरेस्ट वाली चीज़ें जो होती है वो एपी में जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, कैसे करेंगे सोल्व। प्रेजेंट कॉस्ट है ₹15,625, रेट कितनी है, डिप्रिसिएटिंग है मतलब कम हो रही है, तो यहाँ पे मैं माइनस का कितना लेके चलूंगा, 20%, तो माइनस का 20%, रेट कितनी है माइनस का 20%। एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है 5 साल के बाद वो हमें बतानी है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू को इसको शॉर्ट फॉर्म में ईवी बोल देता हूँ ना, ईवी, एस्टिमेटेड वैल्यू। तो ईवी आफ्टर 1 ईयर क्या होगा, अभी जैसे ऐसे इसमें भी वैसे डायग्राम बना सकते हो कि ऐसे है ये पहली साल, ये दूसरी साल, ये तीसरी साल, ये चौथी साल और ये पांचवी साल। यहाँ पर अभी पहली साल स्टार्ट भी नहीं हुई, मतलब स्टार्ट होने वाली है, तो यहाँ पर इसकी प्राइस कितनी ये है, ये पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, चौथी साल, पांचवी साल। अभी मैं ये पता करने वाला हूँ कि यहाँ पर ये कितनी होगी ना, एक साल के बाद क्या प्राइस हो जाएगी। तो 15,000 इसमें से जो भी है इसमें से 20% कम कर दूंगा मैं, मतलब 15,625 में से 20% कम कर दूंगा, 20% ऑफ डिप्रिसिएटिंग है तो मतलब कम हो रही है, 20% कम कर दूंगा किसकी, ओरिजिनल की। ओरिजिनल मतलब कितना, 15,625 इसकी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15,625 माइनस इसका 20%, तो 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 15,625, इसको काटेगा तो 5 बार कट जाएगा, 5 इसको काटेगा तो 15 और ये 3 बच गया, फिर 6 है तो 1, फिर 1 2 12 हो गया, 12 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 5 या 5 हो गया ना, 3 1 2 5 ये बच गया। इसमें से ये माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा, 2 5 2 5 माइनस हो गया तो 00, फिर 1 माइनस हो जाएगा 6 में तो 5 आ गया, और 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 12 बच गया, ये हो गया मतलब 12,500 रुपये। यहाँ पर कितने रुपए थे, 15,625, फिर हो गए एक साल के बाद मतलब दूसरे साल से पहले 12,500। अब दूसरी साल के बाद क्या हो जाएगा, इसमें से 20% कम कर देंगे, ना कि ओरिजिनल में से, ओरिजिनल में से नहीं करना, हर साल 20% कम हो रही है तो हर साल मतलब जब भी उस साल की स्टार्टिंग होती है वो प्राइस में से 20% कम करके उस साल के लास्ट में वो प्राइस आ जाएगी, ठीक है। उसी साल के आजू बाजू में देखना है, 2 साल के बाद देखना है तो 2 साल से पहले कितना था उसी का 20% कम करना है। तो अब देखते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा। तो अब हमें ये 2 साल से पहले कितना था, ये था 12,500, इसका 20% कम करना है, 20% ऑफ यही अपना कितना, 12,500 इक्वल टू देखो कितना होगा, इसमें से कम करेंगे ये तो 2,12,500 माइनस 20%, तो 20/100 इंटू ये हो गया 2,12,500, यार 00,00 कट गया और ये बच गया, तो कितना बचेगा ये सोल्व करेंगे तो 12,500 माइनस ये इसका डबल करेंगे तो 2,500 है ना, माइनस करेंगे तो 2,500, 10,000 हो गया, ये 10,000 इसके हो गए। यहाँ पर 2 साल के बाद कितने हो गए, 10,000 हो गए, ठीक है। आप चाहो तो ये निकाल लो, फिर ये निकाल लो, फिर ये निकाल लो, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो पैटर्न पकड़ लेते हैं इसका, आफ्टर 1 ईयर इसको मैं A1 बोल देता हूँ, आफ्टर 2 ईयर्स इसको मैं A2 बोल देता हूँ, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स क्या आएगा इसको भी देखेंगे, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा और लॉजिकली समझना, आफ्टर वन ईयर कितना आया, 12,500, ये ना ये है 12,500, इसको मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। तो ऐसा है कि एक साल से पहले जो ओरिजिनल ये थी 15,625, फिर एक साल के बाद ये हो गया, इसको मैंने क्या बोला A1, इसको मैंने क्या बोला A2, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा A3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा A4 आ जाएगा 4 साल के बाद। हमें चाहिए 5 साल के बाद, मतलब हमें चाहिए ये A5 चाहिए हमें, है ना, A5 ही निकालना है हमें। अब यहाँ पे देखो पैटर्न समझो, देखो ये यहाँ पे क्या था, इसको भी कोई नाम दे दो तो ज़्यादा बढ़िया होगा, अगर इसको नहीं नाम दोगे तो फिर मेरे को ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीक्वेंस बन रही है
ये एपी है या जीपी है, मेरे को तीन टर्म्स चाहिए। अगर मैं इसको कोई नाम नहीं दूंगा तो फिर मेरे को ये दो टर्म्स चाहिए, तो इसके लिए मेरे को ए थ्री निकालना पड़ेगा। अब ए थ्री के लिए फिर वही सेम कैलकुलेशन मेरे को करनी पड़ेगी। उससे बेटर है कि यहीं से इसी को कोई नाम दे दो, क्योंकि देखो तीन नंबर है, 15,000 वाला है, 12,000 वाला है, 10,000 वाला है, तो इन्हीं से कोई पता चल जाएगा, वही यहाँ पे आगे की तरफ फॉलो होगा। तो इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, इसको मैं ए जीरो नाम दे देता हूँ, है ना, ए थ्री, ए टू, ए वन, ए जीरो, ठीक है। अब हमें ए फाइव चाहिए। अब ये नंबर किस में है, ए जीरो ये है, ए वन ये है, ए टू ये है, आप चाहो तो ए थ्री भी निकाल लो, फिर आपको ए जीरो की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तीन नंबर मेरे को मिल गए तो मैं ए थ्री क्यों निकालूँ, जो मेरे पास मिले हैं उन्हीं को अच्छे से यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो ये क्या है, तो आप देखोगे ये एक जीपी है। पहली चीज़ तो आप एपी है कि नहीं है वो पहले एपी पे हिट किया करो। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना रुपया बचेगा, 125 कुछ, कितना बचेगा ये 3,000, 125 के आसपास। फिर माइनस करेंगे तो ये 2,500 के आसपास। तो देखो जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये एपी तो नहीं है। अब उसके बाद अगला हिट किया करो आप जीपी पर, तो जीपी में आप है ना इनका रेशियो निकालो। अब रेशियो कैसे निकालते हैं, अगला नंबर डिवाइड बाई पिछला नंबर। तो अगला नंबर क्या है, 12500 डिवाइड बाई पिछला नंबर क्या है, 15625। अगला नंबर डिवाइड बाई पिछला नंबर 1,000, 10,000 अपॉन 12500। एक बार सोल्व करो इनको क्या वैल्यू आती है, इसकी क्या वैल्यू आएगी ये देखो। इसको हम अलग से अगले पेज पे कर लेते हैं, रफ में कर लेते हैं इसको, तो इनको सोल्व करते हैं। ये क्या है, 12500, 12500 डिवाइड बाई 15625, और ये पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको किससे कट करें, 25 से कट करते हैं, तो 25 से कटेगा तो ये कितने हो गया, 500 हो गया। 25 से इसको काटोगे तो 156 क्या हो गया, 6 टाइम्स हो गया 150, फिर बच गया 6, 6 और फिर 25, तो ये कितना हो गया, 625, 25 बार हो गया। अब 25 से और काटेंगे है ना, 25 से काटेंगे तो ये कितनी बार, 20 बार, और ये 25 से कटेगा तो 25 बार। अब 5 से काट लेते तो ये 4 बार और ये 5 बार, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 4/5। इसकी वैल्यू देखते हैं, 10,000 डिवाइड बाई 12500 इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो पहली चीज़ दो जीरो से दो जीरो कट गया। अब 25 से काटेंगे तो 25 ये 5 बार, और 25 से काटेंगे तो 4 बार, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 4/5। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 4/5 आ गई। तो ऐसा है ना, ये इनका रेशो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर किस में आगे भी रेशो सेम आएगा, जीपी में चलेगा ये, है ना। तो अब तो ये एक जीपी बन गई है ना, ये क्या बन गई, एक जीपी है ना, ये जो नंबर है, दीज नंबर्स फॉर्म ए जीपी। ये क्या बना रहे, एक जीपी बना रहे। तो जीपी बना रहे तो मेरे को ये वाली टर्म चाहिए। अब ये वाली टर्म समझना और थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। अगर आप जीपी को, अब आप चाहो तो ये ए जीरो ए वन ये सब हटा दो है ना, चाहो तो रख लो, लेकिन हटा दोगे तो भी सही है, नहीं हटाओगे तो भी सही है। सबसे पहली चीज, पहली टर्म, फर्स्ट टर्म किसको मानोगे, फर्स्ट टर्म क्या आप इसको मानोगे, जीपी यहां से स्टार्ट हो रही है, नहीं हो रही ना, जीपी तो यहां से स्टार्ट हो रही है ना। तो फर्स्ट टर्म किसको मानेंगे, इसको मानेंगे। आप यहाँ पे जो ए नॉट, ए वन, ए टू इन पे मत जाओ, आप काउंटिंग करके देखो कि पहला कौन सा, पहला ये है। तो ये जो जीपी है, जीपी की पहली टर्म क्या है, ये कितनी, 15625। आप चाहो तो इसको हटा दो, यहाँ से भी आगे जीपी ही बनेगी, लेकिन उसके लिए फिर आपको ए थ्री ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। और उसमें भी चलो हो जाएगा, दोनों ही तरीके सही है, आप जो मर्जी वैसे करो। अब अच्छा, कॉमन रेशियो आर, आर क्या चाहिए, तो आर हमने निकाल लिया 4/5, ये भी चल ही रहा है 4/5। और अब हमें चाहिए ये वाली टर्म। अब ये वाली टर्म कौन सी है, ये वाली टर्म, विच टर्म इज दिस, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सिक्स्थ टर्म है। चलो मैं इसको नया नाम दे देता हूँ, ये जो पहले ये जीपी की जो टर्म आ रही है इसको मैं बोल देता हूँ टी वन, इसको बोल देता हूँ टी टू, इसको बोल देता हूँ टी थ्री, यहाँ पे टी फोर, दिस इज टी फाइव एंड दिस इज टी सिक्स। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं ऐसे, और ये क्या है, टी सिक्स है। तो हमें चाहिए ए फाइव, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वी नो वी वांट दी ए फाइव। 5 साल के बाद कितना होगा, जीपी के अकॉर्डिंग 5 साल के बाद, तो ये सिक्स टर्म है, जीपी के अकॉर्डिंग टी सिक्स चाहिए। टी सिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, जीपी वाला एनथ टर्म का फॉर्मूला, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ए कितना है, ये 15625 मल्टीप्लाई बाय, आर कितना है, 4/5, 4/5 की पावर एन माइनस वन, एन कितना है यहाँ पे, छः, छठी टर्म है ना, तो सिक्स, तो सिक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको सोल्व करना और कुछ नहीं करना हमें, तो इसको अब मैं खुद से सोल्व कर देता हूँ। ये क्या है एक्सप्रेशन, 15625 इंटू 4/5 की पावर 5, ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं। तो इसको एक रफ के अंदर कर रहा हूँ मैं, 15625 इंटू
ये 4 × 4 × 4 × 4 × 4, ये बाद में देखेंगे, नीचे 5 5 5 5 5 5, 25 से कट कर लेते हैं। अभी हमने 25 से कट किया ही था ना, तो 25 से कट करेंगे तो ये कितना बचा था, इधर किया था 625 बचा था, 625। 25 से और कट कर लेते तो ये 25 से कटेगा, तो यहाँ पे 25 और बच जाएगा, क्योंकि 25 25 सा होता है ना 625। 5 फिर इस 25 को काटेगा तो 5 बच जाएगा, 5 और 4 4 4, ये बच गया 5, और ये 4, ये मिलकर तो क्या बना लेंगे, 20 बना लेंगे। और ये सारे 4 कितनी बार, 4 बार आ रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 16 और 16, 256 256 इंटू, फिर ये 20, ये भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना लेगा ये, इसका डबल 512, और ये 0 1 लग जाएगा लास्ट में। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5120। तो 5 साल के बाद में उसकी प्राइस 5120 हो जाएगी। कैलकुलेशन एक बार आप अपने आप से और देख लेना, तो एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स कितना हो गया, ये 5120 रुपये। ठीक है, ऐसे घटती चली जाएगी, ये जीपी होती है ऐसे में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार आएगा, मज़ा आएगा इसके अंदर। आपको कुछ नई चीज़ भी सीखनी पड़ेगी और उसको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, ऐसे भी हम क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 150 वर्कर्स वर एंगेज्ड टू फिनिश ए जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। समझो कि 150 वर्कर है टोटल, उनको एक कोई काम खत्म करना है, कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है वो खत्म करना है, ठीक है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज में। शायद लास्ट में यही पूछा होगा, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड, तो कितने दिनों में कम्प्लीट किया गया, ये सब हमें बताना ना। तो देखो दोस्तों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आएगा। कई बच्चों को इसमें डाउट भी होता है, क्योंकि वर्क रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसको हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। देखो इसमें क्या बोला है, 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज। मतलब एक कोई काम है, एक जॉब है, जॉब कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, उसको 150 लोग मिलकर, अगर सब लोग लगातार हर दिन काम करें, आइडियल आइडियल सिचुएशन है, हर हर मतलब पूरे के पूरे 150 लोग किसी काम को एक दिन नहीं करते, कोई छुट्टी ले लेता, कोई क्या है, तो वो कुछ दिनों में उसको काम कंप्लीट कर देते हैं उसको, ठीक है। फिर बोला कि 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन द सेकेंड डे, 4 जो वर्कर है वो अगले दिन चले जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिर 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले जा रहे हैं ना, उनको मतलब काम पसंद नहीं आ रहा, तो हर अगले दिन 4 लोग कम देखने को मिलते हैं। फिर क्या हुआ, इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। तो एक्चुअल में कितने दिनों में कम्प्लीट हुआ वो हमें बताना है। देखो इसको समझो, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा वर्क को भी समझना पड़ेगा। मैं एक चीज़ लेके चल रहा हूँ कि एक वर्कर, उसको अगर एक दिन मिल जाए, एक जने को एक दिन मिल जाए ना, एक वर्कर को एक दिन मिल जाए, तो समझो कि वो एक वर्क कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, एक वर्क कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। या फिर इसको और थोड़ा आसान भाषा में समझो, तो समझो कि वो एक चॉकलेट खा लेता है, ठीक है, मतलब काम समझो कि काम ही यही है, चॉकलेट टेस्ट करके बताने की कि कैसी बनी है चॉकलेट, ठीक है। तो ऐसे है कि वो एक काम कंप्लीट कर देता है, या फिर आसान भाषा में समझे तो एक वर्कर अगर एक दिन काम करता है तो वो एक चॉकलेट निपटा देता है, टेस्ट करके बता देता है कि हाँ ये ऐसी चॉकलेट, ठीक है, और एक दिन में एक ही चॉकलेट खानी है, उससे ज़्यादा नहीं खानी, ये काम इसके लिए पैसे मिलते हैं, ऐसा समझ लो, एक वर्कर एक दिन तो एक चॉकलेट खत्म, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। मैं यहाँ पे दो सिचुएशन बना लेता हूँ, एक तो आइडियल कि मतलब सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, कोई छोड़ के नहीं गया, तब होगा क्या, पहले दिन 150 लोग काम करेंगे, दूसरे दिन भी 150 लोग काम करेंगे, तीसरे दिन भी 150 लोग काम, ये आइडियल सिचुएशन है। एक्चुअल क्वेश्चन ऐसा ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, लेकिन आइडियल एक बार सोचो तो सही कैसा होगा। और लास्ट में nth दिन भी ये 150 लोग काम करेंगे, ये टोटल कितने दिन हो गए, समझो कि ये कितने दिन लगे, ये तो पता बताया नहीं क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूँगा, इनको n मान लूँगा, n डेज, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया, ये बताओ एक बार, टोटल वर्क क्या हो गया। एक वर्क मतलब एक चॉकलेट समझ लो, एक जना एक दिन में एक चॉकलेट खत्म करता है, यही काम है, ठीक है। तो पहले दिन कितनी चॉकलेट खत्म हो जाएगी, 150, अगले दिन 150 150, ऐसे करते करते एन दिनों में कितनी चॉकलेट खत्म हो जाएगी, 150 n, 150 × n, तो टोटल काम, एक वर्क मतलब एक चॉकलेट मतलब एक वर्क, तो टोटल वर्क मतलब टोटल चॉकलेट्स कितनी हो जाएगी, 150 n। ये क्या है, ये आइडियल वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो अब हम अब एक्चुअल में आते हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है, पहले दिन
नए नए लोग आए और 150 के 150 लोग काम कर रहे हैं। फिर अगले दिन चार लोगों को पसंद नहीं आया चॉकलेट खाना, या फिर चॉकलेट पसंद नहीं आया, फिर काम करना पसंद नहीं आया, तो चार लोग चले गए, कितने बच गए, 146। ठीक है, फिर उससे अगले दिन, तो देखो आप समझना यहाँ पे काम में भी घाटा हो रहा है। पहले दिन कितनी चॉकलेट्स निपटाई गई, 150 लोग है, एक दिन पूरा मिला उनको, एक जना एक दिन में एक चॉकलेट खत्म करता, तो 150 लोग एक दिन में कितने चॉकलेट्स खत्म कर देंगे, 150 चॉकलेट्स। अगले दिन चॉकलेट्स कम खत्म हुई है, क्यों, क्या टाइम कम मिला, नहीं पूरा दिन तो था लेकिन लोग कम हो गए, 146 लोग यहाँ पे बचे। फिर उससे अगले दिन क्या होगा, चार और कम कर दो है ना, माइनस चार कर दो तो कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ पर भी देखो, अगर सब लोग बराबर बराबर रहते जो कि मतलब खूब सारे हैं, तो वो इतने में काम अपना कंप्लीट कर देते, लेकिन चूंकि लोग कम हो गए तो चॉकलेट्स एन दिनों के बाद में भी कुछ चॉकलेट्स बचेगी जिनको फिनिश करना है, तो क्या होगा, फिर हमें अपनी जो गिवन टाइमलाइन है एन दिनों में ख़त्म करना था, उस डेडलाइन से आगे भी बढ़ के काम करना पड़ेगा, उससे अगले दिन। तो क्वेश्चन ने बोला क्या है कि 8 दिन और लगते हैं उनको, इट टुक 8 more days टू फिनिश दी वर्क, उतना ही काम उतनी चॉकलेट्स खत्म करने में उनको 8 दिन और लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 8 more days, ठीक है, 8 दिन और लग रहे हैं। तो अब बताओ इसमें तो इनको एन डेज लगे, तो इनके अंदर इनको कितने दिन लग गए, एन प्लस 8 days लग गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, टोटल वर्क निकालूंगा। ठीक है, टोटल वर्क यहाँ से भी मैं निकालूंगा। अगर आइडियल कंडीशन होती या एक्चुअल कंडीशन जैसा कि यहाँ पर है, कोई सी भी कंडीशन हो, जो अपने पास में टोटल वर्क है वो तो उतना ही है। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल वर्क है इसको समझ लो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, और यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स वही होगी जो एक्चुअल में आइडियल में होनी चाहिए थी, है ना। मतलब काम पूरा एक या समझ लो कि एक बिल्डिंग बनानी है, भले ही वर्कर पूरे के पूरे आए या फिर कम आए, धीरे धीरे कम होते चले जाए, बिल्डिंग तो बन के रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो आइडियल सिचुएशन हो या फिर एक्चुअल सिचुएशन हो, जो टोटल वर्क है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, एक दिन का काम चेंज हो सकता है लेकिन टोटल वर्क तो सेम ही होगा। तो अब आप समझ पा रहे हो कि हम क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे। टोटल वर्क हमने इधर से निकाल लिया 150 n, ऐसे ही मैं टोटल वर्क इधर से निकाल लूंगा, कुछ भी करके निकाल लूंगा, एन के अंदर आएगा, इन दोनों को मैं बराबर रख दूंगा, एन के अंदर कुछ भी इक्वेशन बन जाएगी, एन की वैल्यू निकाल लूंगा। फिर क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। वर्क वॉज कम्प्लीटेड, कितने दिनों में काम कम्प्लीट हुआ, होना चाहिए था वो नहीं, एन की वैल्यू नहीं बतानी, कितने दिनों में एक्चुअल में हुआ, तो एक्चुअल वाला बताना हमें, एन प्लस 8 की वैल्यू बतानी है, मतलब उसमें एन की वैल्यू निकाल के 8 उसमें जोड़ना भी है, वो हमें आंसर देना है। ठीक है, तो काम स्टार्ट करते हैं, हम भी काम स्टार्ट करते हैं। टोटल वर्क इसमें कैसे निकाले, तो देखो यहाँ पर 150 लोगों ने काम किया, 150 चॉकलेट्स भी खत्म हुई, एक दिन में एक बंदा एक चॉकलेट खाता है, तो 150 लोग एक दिन में 150 चॉकलेट्स खाएंगे। ठीक है, इन एक्चुअल केस टोटल वर्क मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले दिन कितना काम हुआ, 150 काम हुआ, काम समझ में नहीं आता तो आप चॉकलेट समझ लो, पहले दिन कितनी चॉकलेट्स खत्म हुई, 150, अगले दिन कितनी, 146, उससे अगले दिन कितनी, 142, ऐसे करते 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 चला। अब ये यहाँ पे ये नंबर तो मेरे दिख रहे हैं, ये खाली है, मेरे को पता ही नहीं यहाँ पर क्या भरना चाहिए, तो मैं इनको छोड़ ही रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, आप ध्यान से देखो, ये क्या बन गई, एक ये बन गई एपी, क्या बन गई ये एपी, कैसे, 150 है, फिर चार कम हुआ, तो ऑब्वियसली एपी बन रही, दूर से हम पहचान सकते हैं, तो एपी है, तो इसकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो पता कर लेते हैं, जैसे ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ये सारा हम देख लेते हैं। ए फर्स्ट टर्म कितनी है, 150, 150। डी कॉमन डिफरेंस कितना है, चार चार कम हो रहा है तो माइनस का 4। फिर नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि हम एक्चुअल केस देख रहे हैं, तो एक्चुअल केस में टोटल कितने दिन लगे, एन प्लस 8 दिन लगे, एन के बाद में भी चार चार लोग छोड़ के जा ही रहे हैं रोज, तो यहाँ पे एन प्लस 8 है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, माइनस 4 यहाँ पे ये हो गया, 150 ये हो गया। और अच्छा, ये एपी है, तो एपी में क्या है, यहाँ पे देखो प्लस आ रहा बार बार, तो हमें क्या चाहिए, एपी का क्या चाहिए, हमें सम चाहिए, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है एपी का, एन बाई 2 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2, तो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, एन प्लस 8, तो एन प्लस 8 डिवाइड बाई 2, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मैं पूरा लिख नहीं रहा, थोड़ा कन्फ्यूजन भी होगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a
मतलब 2 into 150 प्लस n माइनस 1 into d। अब n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी है, n प्लस 8, तो इसमें से एक कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, n प्लस 7 बच जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आता है, n माइनस 1 आता है, n की जगह क्या रख रहा हूँ इस बार में, n प्लस 8, तो n प्लस 8 माइनस 1, तो n प्लस 7 हो गया, इंटू डी, डी कितना है माइनस 4, तो माइनस 4 ही हो गया, ब्रैकेट क्लोज। ये बाहर की तरफ जो 2 है इसको खत्म कर ही दो, ज़्यादा मतलब क्यों इसको लेके चल रहे हो, तो अंदर की तरफ यहाँ पे प्लस लगा है, ये टर्म अलग, ये टर्म अलग, तो इस 2 को अंदर भेज दो काटने के लिए, तो 2 जाके इसको काट देगा, 1 बचाएगा, 2 जाके उसके नीचे भी जाएगा, तो इसको काट के वो माइनस 2 छोड़ देगा। इसको सोल्व करें, बाहर कौन खड़ा है, एन प्लस 8, अंदर क्या है, ये 150, 150, और ये जो माइनस 2 है वो इसके ब्रैकेट में खोल दो इसको, है ना, माइनस 2 इंटू एन, माइनस 2 एन, माइनस 2 इंटू 7, माइनस 14। सोल्व करें तो ये क्या है, एन प्लस 8, और इसके अंदर कितना है, ये 150 माइनस 2 एन माइनस 14, तो 150 माइनस 14 कर लो तो 136 माइनस 2 एन, ठीक है, तो ये आया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, पूरा ब्रैकेट ब्रैकेट खोल दो, क्या आएगा ये, एन इंटू ये माइनस 2n स्क्वायर, फिर यहाँ पर जो माइनस 2n है वो इससे मल्टीप्लाई माइनस 16, और ये 136, तो कितना हो गया, प्लस का 130n हो गया, और 136 अब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा ये, 8 का 8 फिर हो गया 4, 24, 8, ठीक है, ये बच जाएगा कितना, 1088, है ना, ये बच जाएगा। तो एक बार मैं इसको अगले पेज पे लिख लेता हूँ इन्फॉर्मेशन को, सोल्व तो मैंने कर लिया, इसको सोल्व करके ये क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक ये बन गई, अब बस ये टोटल वर्क है एक्चुअल वाला, ये रहा, ये यहाँ पे लिख देता हूँ ना, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल वर्क कैसे आया, एक्चुअल से निकाला हमने, ये पूरी एक पी एक पी बना बनू के निकाला, तो ये आया माइनस 2n स्क्वायर प्लस 130n प्लस 1088, ठीक है। अब मैं इसको टोटल वर्क ये उसको सेम ही है, तो उसको एक आइडियल वाले को एक्चुअल वाले के टोटल वर्क के बराबर रख दूंगा, ठीक है, तो एक बार इस इन्फॉर्मेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ अगले पेज में। तो ऐसा लिखा मैंने, टोटल वर्क आइडियल का हो या एक्चुअल का हो बराबर ही होगा, हाँ पर डे का चेंज हो सकता है, लेकिन आइडियल और एक्चुअल का जो टोटल वर्क है, जितनी चॉकलेट्स खानी हो तो खानी है, भले कम हो या ज़्यादा हो, टोटल में कोई चेंज नहीं होगा। आइडियल में कितना आया था अभी हमने देखा था, तो 150n आया था ना, 150n इक्वल टू एक्चुअल में कितना आया, माइनस 2n स्क्वायर प्लस 120n प्लस 1088 आया था ना पिछले पेज वाला। अब इसको सोल्व करें तो इसको मैं इधर ले आता हूँ ना, इन सबको इधर ले आता हूँ, तो ये इधर आ गया, तो 2n स्क्वायर हो गया, 120n आके 150n में से माइनस हो जाएगा, तो 30n बच जाएगा, 1088 इधर आएगा, तो माइनस का 1088 इक्वल टू 0, ये बन गया। अच्छा ये जो 2 है ना, 2 ये काट दो सबको, है ना, आधा कर दो सबको, तो n स्क्वायर प्लस ये 30n का क्या हो गया, 15n हो गया, माइनस इसका आधा क्या हो जाएगा, 544 इक्वल टू 0। या तो बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सोल्व कर लो, अगर नहीं हो रहा तो फिर अपने पास में वो है ही हथियार, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधर आचार्य सूत्र, वो लगा दो, तो ऐसा होता लग नहीं रहा, ये काफ़ी बड़ा नंबर है यार, तो इसमें मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देता हूँ, एन बराबर क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये लगा देता हूँ, तो a की जगह क्या है 1, b की जगह 15 और c की जगह माइनस 544, तो माइनस बी मतलब माइनस 15 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है ये माइनस 544 डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू a कितना है 2 इंटू 1, ये बन गया। और ख़त्म करते हैं इसको, n इक्वल टू माइनस 15 प्लस माइनस रूट ऑफ 15 का स्क्वायर 225 माइनस अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा ये 444 176 और ये 2 आ गया 20 का, ठीक है, डिवाइड बाई 2 बन गया ये। अब n की वैल्यू क्या हो गया, माइनस 15 प्लस माइनस ये इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये क्या आ गया 0, 1, 4, 21 और 2, 23 और 1, 24 ही हो गया डिवाइड बाई 2। अब ये रूट 2401 की वैल्यू पता है क्या आपको क्या होती है, रूट 2401 ये होता है 49, है ना 49, तो याद आएगा n इक्वल टू कितना आ गया माइनस 15 प्लस माइनस रूट 40, ये क्या बन गया 49 बन गया, है ना, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 49 डिवाइड बाई 2।
एक बार प्लस का ले लो, एक बार माइनस का ले लो। तो एन की वैल्यू अगर मैं प्लस कर लूँगा तो क्या हो जाएगी, माइनस 15 प्लस 49 डिवाइड बाई 2। माइनस कर लूँगा तो एन इक्वल टू माइनस 15 माइनस 49 डिवाइड बाई 2। ये तो नेगेटिव आएगा, एन की वैल्यू नेगेटिव, जो कि रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एन क्या है, एन यहाँ पर देखो क्या है, एन डेज है, तो दिन तो माइनस में नहीं हो सकते, हम पास्ट में तो जा नहीं रहे, है ना। तो इसको सोल्व करेंगे, ये क्या बन गया, एन इक्वल टू ये 49 माइनस 15 कितना हो गया, 49 माइनस 34 हो गया, 34 डिवाइड बाई 2। एन की वैल्यू क्या होगी, 17 होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में फिर ये बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कम्प्लीटेड इक्वल टू कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ, एक्चुअल में कितना होगा ना, यहाँ पर इसका भाव यही है कि एक्चुअल आपको बताना है। तो एक्चुअल में देखो, एक्चुअल में कितने दिनों में काम हुआ, एन प्लस 8 डेज में काम हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन प्लस 8 आ जाएगा। तो एन मतलब कितना, 17 प्लस 8 तो कितना हो गया, ये 17 और 8 25 हो गया, 25 डेज, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बीच में खतरनाक कैलकुलेशन होगी, तो शायद 25 दिन ही यहाँ पर बनना चाहिए आंसर। तो 25 दिनों में एक्चुअल में काम होगा, अगर 150 लोग छोड़ के नहीं जाते तो वो 17 दिनों में हो जाता, छोड़ छोड़ के चले गए तो 150 25 दिन में हुआ फिर काम, 8 दिन एक्स्ट्रा लग गए। तो ये अपनी चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिक्वेंस एंड सीरीज। अब अगला चैप्टर स्ट्रेट लाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको तो आपको मतलब स्टार्टिंग के लेक्चर्स तो देखने देखने पूरा ही देखना, मतलब स्ट्रेट लाइन तो पूरा देखना, फिर कॉनिक सेक्शन, और ये मतलब नया ही चैप्टर है, एकदम नया है, तो उनको प्लीज़ आप ज़रूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी आगे भी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और स्ट्रेट लाइन की थ्योरी देखेंगे फिर। थैंक यू वेरी मच।